राजस्थान के लोकसभा चुनाव परिणाम ने बीजेपी को चौंका दिया है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 सीट गई है। बीजेपी को 14 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता के पीछे सचिन पायलट खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। विधायक होते हुए सचिन पायलट का पूर्वी राजस्थान में दबदबा है। उन्होंने राजस्थान में हमेशा नए चेहरों को मौका देने की वकालत की। इस बार भी सचिन पायलट दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर ग्रामीण और श्री गंगानगर लोकसभा सीट पर नए चेहरों को टिकट दिलाने में सफल रहे। टिकट बंटवारे के समय पूर्वी राजस्थान की सभी सीटों पर सचिन पायलट के समर्थक सामने आ जाते थे। सचिन की भी सहमति हुआ करती थी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि किसकी सरकार बनती है ये समय बताएगा। स्पष्ट जन आदेश जनता ने किसी को नहीं दिया है। जो भी सरकार बनेगी वो गठबंधन की सरकार होगी। कांग्रेस का संख्या बल दोगुना हुआ है। जन आदेश भाजपा के खिलाफ था। वही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। अभी राष्ट्रपति महोदय किसको न्योता देती हैं, किसकी सरकार का क्या निर्माण होता है समय बताएगा। लेकिन सिर्फ अगर आप इस लोकसभा चुनाव के परिणामों का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया। सरकार बनाने के लिए जनता ने खंडित जनादेश दिया है। जो भी सरकार बनने जाएगी वो हमेशा मिलीजुली सरकार होगी। पहली बार जब 303 सांसदों के साथ भाजपा चुनाव लड़ने गई थी तब उन्होंने 370 का क्लेम किया था, 400 गठबंधन का क्लेम किया था। परिणाम आने के बाद उनके 70 सांसद कम हो गए हैं और गठबंधन 200 कुछ पे आके अटक गया और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हो गया। तो मैं मानता हूँ कि अगर इस पूरे चुनाव परिणाम में 7 चरण का चुनाव 2 महीने का पूरा प्रकरण चला उसका जो सारांश है वो ये है कि जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो हमारे मुद्दों को जनता ने पसंद किया और हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। और राजस्थान के जैसा आपने कहा 11 जगह हमने भाजपा को हराया है। हमने हमारे सहयोगी दलों ने मिलकर 11 जगह उस जगह जहाँ पर 4 महीने पहले भाजपा की सरकार बनी थी तो डबल इंजन फेल हुआ जयपुर में, डबल इंजन फेल हुआ लखनऊ में, डबल इंजन फेल हुआ हरियाणा के अंदर और हर जगह कांग्रेस और साथियों को हमको जनता ने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगता है कि हमने सही मुद्दों की बात की। अब भाजपा बात करती थी मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र की और हिंदू मुसलमान की, हम बात करते थे MSP पे कानून बनाने की, रोजगार की, निवेश की, महंगाई की, बेरोजगारी की। जनता ने हमारी बातों को स्वीकार किया और राजस्थान के अंदर जो परिणाम आए हैं वो पहले से बहुत बेहतर है और मुझे लगता है संतोषजनक भी काफ़ी हद तक। हम उम्मीद करते थे कि हम भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे लेकिन हमारे उम्मीदवारों का चयन, हमारा चुनाव, हमारा कैंपेन और नेताओं और कार्यकर्ताओं की एकजुटता, इस पूरे राजस्थान के चुनाव का जो श्रेय अगर जाता है किसी को तो हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है जो भीषण गर्मी में बूथों में डटे रहे, प्रलोभन दबाव हर तरह का प्रतिशोध की भावना से सरकार प्रशासन ने काम किया उसके बावजूद हमको जिताकर भेजा। हमारे सारे उम्मीदवार जीत कर आए हैं वो सब सदन में बैठकर राजस्थान के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट जालौर नहीं आए तो क्या उसकी वजह हो सकती है, वैभव गहलोत क्या? मैंने कहा ना जो जहां हम नहीं जीते हैं वहां अगली बार मेहनत कर और जीतेंगे और जहां जैसे आपने इस लोकसभा क्षेत्र की बात करी है यहां पर हम लोग क्यों हारे उसके बारे में विस्तृत जो स्टेटमेंट है वो अशोक गहलोत जी बता ही चुके हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम मेहनत करेंगे तो जहां इस बार नहीं जीत पाए हैं अगली बार वहां भी जीतेंगे। कल आपने कहा था कि उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे तो मैंने कहा कि हम सब जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं हार जीत राजनीति का एक उतार चढ़ाव है लेकिन ये बात आप मानेंगे कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो एकजुटता और जो जनता के बीच हम लोगों ने संघर्ष किया 5 महीने के बाद उलटफेर जो हुआ है ये संभव नहीं था अगर सब नेता मिलकर काम नहीं करते और इसका श्रेय मैं तो शुद्ध रूप से कार्यकर्ता को देना चाहूंगा। पूर्व राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना परचम ले रहा है मारवाड़ और मेवाड़ में कहीं कहीं कांग्रेस कमजोर दिखाई दे ऐसे में आप क्या सचिन पायलट ज्यादा मेहनत करेंगे मारवाड़ में? हमने सबने मेहनत करी है और किसी एक व्यक्ति के मेहनत से कोई परिणाम नहीं आते हैं, पूरी टीम पूरा संगठन लगता है तभी कोई परिणाम आते हैं। आप सही कह रहे हैं कि जिन शेखावटी है, हनुमानगढ़, गंगानगर है, राजस्थान है वहाँ पर उनको बेहतर परिणाम मिले लेकिन बाकी सीटों के अंदर भी जो पहले परिणाम थे 3 लाख 4 लाख 5 लाख का जो अंतर था वो बहुत सीमित हो गया है तो जनता ने कांग्रेस को पूरे राज्य में वोट डाला। ऐसा नहीं भजनला सरकार आम लोगों में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि सचिन पायलट ने पूर्व राजस्थान में बहुत भयंकर मेहनत करी उसकी वजह से सीटें आई ऐसे में आप सचिन पायलट का कांग्रेस में बहुत बड़ा कद बढ़ गया है।
हम सब लोग पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करते हैं, जिसकी जहाँ जरूरत होती है उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसको जिम्मेदारी दी जाती है। मुझे जहाँ काम करने को दिया, हरीश जी को पंजाब में काम करने को दिया, वहाँ हम 7 सीट जीत कर आए। वहाँ पे आप विरोधी साथी क्या क्या बोलते थे, लेकिन वहाँ पर भी हम 7 सीट जीते हैं और हरियाणा में 5 सीट जीते हैं, राजस्थान में हम 8-3 11 जीते हैं। तो जिस व्यक्ति की संगठन में जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाते हैं। और मुझे जहाँ जहाँ उम्मीदवार ने बुलाया, जिस उम्मीदवार ने बुलाया, जिस प्रदेश में बुलाया, पार्टी ने जहाँ मुझे भेजा वहाँ जाके हमने काम किया। भविष्य में पार्टी जो भी आदेश देगी उसको हम निभाएंगे।